स्थान का, वस्तु का, जगह का जो नाम होता है वो क्या होगा? नाउन होगा. एंड वी हैड लर्न फाइव पार्ट्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एक चीज हमेशा याद रखना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने पार्ट पढ़ते जाएंगे ना, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जितने नाउन है उनसे ज्यादा प्रोनाउन होंगे, जितने नाउन और प्रोनाउन होंगे उनसे ज्यादा एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि हर नाउन का एक प्रोनाउन तो जरूर होगा, हर नाउन और प्रोनाउन दोनों का एक एडजेक्टिव जरूर होगा जो उसकी विशेषता को बताएगा. तो वी हैव लर्न फाइव पार्ट्स ऑफ नाउन्स, बट वी हैव एट और नाइन पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन्स विच वी यूज इन अवर. ठीक है, पहला क्या होता है? प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? द वर्ड दैट एड्स, द वर्ड दैट वी यूज इन स्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. ठीक है, वो वर्ड जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. ठीक है, जब हमने किसी का नाम पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, राकेश, दिनेश, सुरेश, ठीक है, अगर मुझे किसी का नाम याद नहीं था तो हमने कॉमन नाउन यूज किया ना, बॉय, गर्ल. लेकिन अगर मुझे किसी को बुलाना हो तो उसके लिए एक पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, नाउन विच केम फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारे क्या हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, आई, देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आई और यू और यहां ही और शी, ये सिंगुलर है सारे. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर, ही और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर. ठीक है, इनके प्लूरल क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन प्लूरल यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे. ठीक है, हु इज स्पीकिंग इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन, हु इज लिसनिंग इज ऑलवेज सेकेंड पर्सन, फॉर हुम वी आर स्पीकिंग इज ऑलवेज थर्ड पर्सन. क्लियर है इतना? जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है. ठीक है, इसको हम सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एक पजेसिव केस, ठीक है, बुक में हालांकि जो नॉमिनेटिव दिया हुआ है वो सब्जेक्टिव की जगह दिया हुआ है. मैं इसको समझाता हूं, मैं जानबूझ के ऐसे क्यों लिख रहा हूं. हम जो सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, आई करते हैं, वी करते हैं, यू करते हैं, ही, शी या दे यूज करते हैं ना, तो वो सब्जेक्टिव केस. आई, वी, यू, ही, शी, दे, जो सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ वो क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस. और नॉमिनेटिव कभी अकेला नहीं आता, इसके साथ कोई ना कोई कॉमन नाउन जरूर आएगा, और कॉमन नाउन ही आएगा. जैसे आई का नॉमिनेटिव क्या होगा? माई, माई बुक, माई शर्ट, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर. ठीक है, वी का आर, ही का हिज, यू का यूअर, दे का देयर. ठीक है,
ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है, हम पैसिव वॉइस लिख चुके हैं ना, द लेटर इज रिटन बाय मी, मी बाय अस, बाय यू, बाय देम, बाय हर, बाय हिम, को ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है, मी आ जाता है, अस आ जाता है, यू, हिम, हर और देम, ठीक है। और पोजेसिव केस, पोजेसिव केस का मतलब होता है वेयर, जहां हम किसी चीज पे अपना अधिकार इंडिकेट करते हैं, सम राइट इज देयर, जिस जहां हम हैज़ का जैसे इस्तेमाल करते थे ना, आई हैव अ पेन, ऐसे ही वो भी पोजेसिव था। यहां पे पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब आई का पोजेसिव क्या होता है, माइंड, यू का यूअर्स, वी का आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, तो ये क्या हो जाएंगे, पोजेसिव, माइंड, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, क्लियर है इतना। लेकिन इनका यूज क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस, इसका यूज क्या करेंगे, जब भी देखो सब्जेक्टिव केस में क्यों बता रहा हूं कि जब भी हम डिग्री बताइए ना, तीन, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, राम मुझसे लंबा है, तो बोलने में हमेशा लोग क्या बोलते हैं, राम इज टॉलर देन मी, बट ग्रामेटिकली वहां पे क्या है, राम इज टॉलर देन आई, वहां पे राम उससे लंबा है, राम इज टॉलर देन ही, राम इज टॉलर देन शी, सब्जेक्टिव केस है, ये चीज हमेशा, जब भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो, ठीक है, इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी, या इट इज दे, आगे समझ में। हमने कहा कि जब हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट ऑलरेडी डिफाइंड हो, दो प्रोनाउन अगर पहले से दिए गए हो, नाउन या प्रोनाउन, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, वह तुम्हें मुझसे अच्छे तरीके से जानता है, वह भी आ गया, तुम्हें भी आ गया, और फिर मुझसे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, जैसे ही नोज यू बेटर Than me. Then me. Clear है ना? जब किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन हो, जरूरी नहीं है तीनों पर्सन, सिर्फ दो पर्सन भी हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड पर्सन भी हो सकता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फर्स्ट और सेकेंड पर्सन भी हो सकता है, और सेंटेंस में किसी बुरी बात का आभास ना हो रहा हो, कोई बुरी बात नहीं हो रही हो, तो वहां हमेशा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए हमें 231 का। 231 का मतलब पहले सेकेंड पर्सन लेके आओ, फिर थर्ड पर्सन लेके आओ, और फिर फर्स्ट पर्सन लेके आओ। जैसे मैं, तुम और वो पढ़ाई करेंगे, पढ़ना कोई बुरी बात तो नहीं है, तो वहां पे हम कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, यू, ही, एंड आई शैल स्टडी टुगेदर, ठीक है। लेकिन अगर किसी बुरी बात को एक्सेप्ट किया गया हो, तो वहां कॉम्बिनेशन बनेगा 2123 का, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है।
आई यू एंड ही हैज चीटेड हिम। इस सेंटेंस में कोई गलती है? यू आई यू एंड गलती है सर। अगर एक से ज्यादा ये हो गए हमारे पास सब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लियर है इतना? कभी भी अगर किसी सेंटेंस में ऑल इन प्लूरल फॉर्म में हो, फर्स्ट पर्सन भी प्लूरल, सेकेंड पर्सन भी प्लूरल, थर्ड पर्सन भी प्लूरल, या कोई दो पर्सन अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो उसमें भी 123 का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, जैसे हम तुम और वे, ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही बनाओगे। तो तीनों थर्ड पर्सन है तो फिर आगे पीछे कैसे भी वो लिख दो क्या, जैसे कि इसमें आपने बताया ये तो हम तीनों थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं, नहीं अभी बताया थर्ड पर्सन था, तीनों थर्ड पर्सन है कैसे? मैंने बताया हम वी यू एंड दे हैव डन दिस वर्क। ये टू थ्री वर्स है, यू वी एंड दे, मैं एक दो तीन फर्स्ट 23 का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, एक सौ तेईस हो, जब ऑल इन प्लूरल फॉर्म हो तो हमेशा 123 का कॉम्बिनेशन। आगे समझ में? ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिर्फ चार होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज और दोस। ठीक है, प्रोनाउन इज प्रोनाउन ओनली इन दैट कंडीशन व्हेन हेल्पिंग वर्ब कम जस्ट आफ्टर इट। द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो अगर कॉमा नाउन के बाद आता है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे दिस इज ए पेन या दिस इज अ कार, यहां पे दिस के साथ इज आया है पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन दिस कार इज ब्लैक, वहां पे जो इज आया है वो कार के बाद आया हुआ है, कॉमन नाउन के बाद आया हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मीनिंग सेम रहेगा, बोलने में फर्क होगा, यह एक काली कार है और यह कार काली है। ठीक है, दिस इज अ ब्लैक कार, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस कार इज ब्लैक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये फर्क होता है बस। ठीक है, दिस That, these, those, ये दोनों सिंगुलर, ठीक है, ये दोनों प्लूरल। ये जो चीज पास में हो टच में हो, जो चीज पास में हो और टच में हो, दिस इज ए पेन, ठीक है, बट दैट इज ए पेन, दीज आर बुक्स, These are students. Those are also students who are sitting in that room. तो वहां पे ये दोनों सिंगुलर, ये दोनों प्लूरल, ये दोनों पास के लिए और ये दोनों दूर के लिए। ठीक है, इसमें अलग इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस का जो प्रोनाउन मैंने बताया हुआ है, दिस के लिए जो हम आगे यूज करेंगे, जैसे पहली बार अगर हम सेंटेंस में नाउन यूज करते हैं तो उसके बाद प्रोनाउन यूज करते हैं ना, जैसे महात्मा गांधी जी के लिए किया तो पहली बार महात्मा गांधी नाम देके अगली बार ही यूज करते हैं, ऐसे ही दिस जब पहले सेंटेंस में यूज कर दोगे, दिस इज, ठीक है, अ बुक, इट कंटेन्स 400 पेजेस, इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो आगे जितना भी बोलेंगे वो क्या बोलेंगे हम, उसकी जगह इट बोलते हुए जाएंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया? डेमोन्स्ट्रेट आता है अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, इसमें आप लोग बस इतना समझ लो, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली,
ईच अदर वन एन अदर। ठीक है, वन ऑफ, नन ऑफ। अब देखो आइदर का मतलब क्या होता है, या तो ये या वो। आइदर सिर्फ दो में से एक के लिए यूज होता है, ये याद रखना, दो से ज्यादा के लिए नहीं। अगर दो से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो वहां पे क्या आ जाएगा, वन ऑफ, वन ऑफ, एक से ज्यादा। ठीक है, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा। आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स या टू बॉयज, ठीक है, वहां पे आइदर आएगा। और अगर दो से ज्यादा, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज, वो गलत है, वन ऑफ द थ्री बॉयज, वन ऑफ द थ्री गर्ल्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का ही आएगा, जैसे वन ऑफ द फाइव बॉयज आ जाए, वन ऑफ द टू बॉयज आ जाए, वन ऑफ द टेन बॉयज आ जाए, लेकिन दस में से एक लड़की की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर का है। क्लियर है इतना? नाइदर ना ये ना वो, लेकिन वो भी दो में से, अगर दो से ज्यादा में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो वहां पे नन ऑफ द क्या इस्तेमाल कर देंगे, नन ऑफ। यहां आइदर के साथ अगर और आ जाए तो एक रूल है ना कि जो हेल्पिंग वर्ब लगे वो और के बाद वाले के अकॉर्डिंग लगेगा। आइदर अशोक और हिज फ्रेंड्स आर या हैव, जो उसके और के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। ये चीज इसके साथ भी है, नीदर नॉर नो, जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब करेगा। यही चीज बट ऑल्सो की सेंस में भी आएगा। क्लियर है इतना? ईच अदर, दो के बीच में, आई डोंट नो बट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो दो लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, तो वहां पे ईच अदर। लेकिन सारे अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वन एन अदर, जैसे बिटवीन होता है ना दो के बीच में, और दो से ज्यादा के बीच में अमंग होता है, तो दो के बीच में जब भी यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे हम, बिटवीन। ठीक है, दो के बीच में, दो के बीच में बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में अमंग। ऐसे ही यहाँ पे जब दो के बीच में कोई बात हो रही है तो ईच अदर, और दो से ज्यादा के बारे में जब होगा तो वन एन अदर। क्लियर है इतना? इतना पढ़ के रहना। ठीक है।